कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों से लेकर बेरोजगार हुए लोगों के लिए वरदान माने जाने वाली मनरेगा योजना के कर्मचारी 80 दिनों से हड़ताल पर हैं। जहां एक ओर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तो दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर लगातार कड़ी धूप में धरने पर बैठे हैं। ग्रेड पे नियमितीकरण समायोजन की मांग को लेकर बीते 3 माह से हड़ताल पर गए प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेकर कार्यस्थल पर लौटने की अंतिम समय सीमा के बाद अब कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का नोटिस सरकार द्वारा दे दिया गया है। पर इधर हड़ताल पर डटे कर्मचारियों ने मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। राज्य में तकरीबन 1300 मनरेगा कर्मचारी बीते मार्च से अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके बाद बीते 15 मई को अपर मुख्य सचिव मनरेगा मनीषा पवार ने कर्मचारियों को 15 दिन का समय देते हुए 29 मई तक ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए। ऐसा नहीं होने पर सेवा समाप्त करने की चेतावनी दी, लेकिन कर्मचारी भी इस बार सरकार से आर पार के मूड में है। बीते 3 माह से कोविड कर्फ्यू के बाद भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मचारियों को सरकार ने जल्द काम पर न लौटने पर उनकी सेवा समाप्त करने का नोटिस जारी किया है। पर कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार नहीं है और इस बार सरकार से आर पार के मूड में है। ग्राम्य विकास विभाग के राज्य महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ की ओर से 31 मई को कार्यस्थल पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है और जल्द काम पर न लौटने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए। पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारियों का कहना है कि शासन की ओर से मांग पूरी करने के आदेश के बाद ही हड़ताल समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि कई बार मुख्यमंत्री आवास पूछ के बाद कर्मचारियों को शासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन पूरी नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि शासन से मांग मंगवाने के लिए शासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही सेवा समाप्त होने के नोटिस पर कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कभी उनको आश्वासन दे रही है, कभी नोटिस भेज रही है। यह नोटिस अधिकारियों द्वारा दिया गया है क्योंकि आजकल सरकार पर ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार चला रहे हैं, पर जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रहेगा संगठन जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। उत्तराखंड सरकार अपना तुलकर की फरमान वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। उत्तराखंड शासन तुगलक की फरमान वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। मंडक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, बोल रहे नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम प्रवेश पोखरियाल है, मैं उपकर अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। सरकार द्वारा एक अल्टीमेट दिया गया है, अगर आप जल्द नौकरी पे नहीं पहुँचे तो आपको कार्य से हटा दिया जाएगा। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमको ये क्लियर नहीं कि ये निर्देश सरकार के हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के हैं, क्योंकि आज की डेट में तो ये लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स इतना ज़्यादा हावी है कि जो कैबिनेट के 2 फैसलों को देखिए, हमारी हड़ताल चल रही है 15 मार्च 2021 से, ये आप भी जान रहे हैं, और लगातार हमारा 79वां दिन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे 2 लेटर निकले थे, 2 कैबिनेट के फैसले हुए थे, उन दोनों कैबिनेट के फैसलों को 2011 और 2017 के फैसलों को हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा 1 लेटर के माध्यम से बदल दिया गया। तो अब जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि सरकार के द्वारा, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा क्या है ये तो पता नहीं हमको, क्योंकि सरकार तो हमको बाद आश्वासन दे रही है, परंतु ब्यूरोक्रेट्स, हाँ मैं इतना पूरे पुख्ते तरीके से कह सकता हूँ कि ब्यूरोक्रेट इतना हावी है कि 2 कैबिनेट के फैसलों को पत्र के माध्यम से बदल दिया, और इस बार भी जो हमारी सेवा समाप्ति का लेटर जो जारी किया है उसमें मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स उत्तराखंड सरकार पर बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है।